ये एक तरफा प्यार का मारा वो आशिक है जो कभी 2.5 करोड़ के बंगले का मालिक था, लेकिन इश्क में इसे ना क्या मिली, ये बन बैठा शातिर चोर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिला पुलिस ने एक साल के अंदर भिलाई, दुर्ग और रायपुर में 50 से ज़्यादा लूट की वारदात करने वाले आरोपी अभिषेक जोशी को पकड़ लिया है। रायपुर के रहने वाले इस अभिषेक को 2 महीने से पुलिस की एक टीम तलाश कर रही थी। इसका स्थायी ठिकाना नहीं होने के कारण ये पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। कहते हैं ना, हर अपराधी के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। ऐसी ही एक कहानी थी इस अभिषेक के पीछे भी। इसके पिता एक बैंक में नौकरी करते थे। यह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इसकी दोस्ती एक युवती से हो गई, जिससे उसे प्रेम हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान अभिषेक के माता पिता की एक एक करके मौत हो गई। अब अभिषेक के पास कोई बचा था तो वो थी उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड। काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में होने के कारण अभिषेक ने अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन जब लड़की ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कहानी पूरी तरह बदल गई और इसने करीब 8 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अभिषेक इस ना से इस कदर पागल हुआ कि उसने पहले अपना 2.5 करोड़ का बंगला महज 14 लाख में बेच दिया। इसके बाद वो शातिर लुटेरा बन गया। अपनी खुन्नस निकालने के लिए वो लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा। गर्लफ्रेंड की खुन्नस निकालते निकालते इसने 50 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो अभिषेक चाकू तक से लड़कियों को डराने लगा। लगातार बढ़ती ऐसी वारदातों से ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। बड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस इस तक पहुंच पाई और इसे गिरफ्तार कर पाई। पकड़े जाने के बाद इसने पूछताछ में बताया कि लूट के मोबाइल को ये ऑनलाइन वेबसाइट पर आसानी से बेच देता था। सोने चांदी के जेवर भी ये कई शराफा कारोबारियों को बेच चुका है।